मंत्री जी से जो हमारी वन टू वन बात भी हुई, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप आइए मेरे बाद, आखिर कौन है पार्टी में, कौन संभालेगा, तो आप आइए। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने वो खुलासा कर ही दिया जिसकी चर्चा अब तक मीडिया से कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने एबीपी को बता दिया कि आखिर वो किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और नीतीश से वो क्या चाहते हैं। मंत्री जी से जो हमारी वन टू वन बात भी हुई, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप आइए मेरे बाद, आखिर कौन है पार्टी में, कौन संभालेगा, तो आप आइए। और बाद में पार्टी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया मध्यस्थता के लिए, उनकी ओर से भी यही कहा गया कि पार्टी में अब कोई नहीं है जो पार्टी को संभाल कर ले चल सके, इसकी जरूरत है, इसलिए आप आइए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान और तेवर बता रहे हैं कि अब नीतीश और उपेंद्र का रास्ता अलग है, अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को तोड़ने के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। उपेंद्र की नज़र उन नेताओं पर है जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन से नाराज हैं। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के आधे से ज्यादा सांसद कुशवाहा के साथ जा सकते हैं। दावा आधे से ज्यादा जेडीयू विधायकों के साथ जाने का भी है। यानी उपेंद्र कुशवाहा बिहार में वही करेंगे जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने किया। उपेंद्र कुशवाहा चेहरा हो सकते हैं, लव कुश समीकरण की हमारी पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो आने वाला समय का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बात है अभी कोई टिकने दे तभी। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू में टूट के बाद उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि कुशवाहा का गुट बाद में बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करेगा। देखिए, नीतीश जी के बारे में कहावत प्रसिद्ध है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, तो वो जो वायदा करते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। आज कल जेडीयू का दो ही विकल्प है उसका, या तो आरजेडी में विलय कर जाए या टूट जाए, इस दो के अलावा तीसरा कोई विकल्प जनता दल के पास नहीं है। इसीलिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हमदर्दी जता रही है। यानी बिहार में अब नीतीश के सामने जेडीयू को बचाने की चुनौती है।